नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के न्यूज इन फ्लैश में। तो चलिए आज की पहली खबर देखते हैं। ये है यूएस ओपन टाइटल से। यूएस ओपन में मेंस सिंगल में डेनियल मेदवेदेव ने खिताब जीत चुके हैं। यूएस ओपन का पुरुष एकल में इन्होंने हराया है नोवाक जोकोविच को। नोवाक जोकोविच एक बहुत बड़ा नाम है टेनिस जगत में। ये ऑलमोस्ट रिकॉर्ड तोड़ने वाले थे 21st मेजर मैन सिंगल टाइटल का। इस रिकॉर्ड पे अभी रॉजर फेडरर और जोकोविच के साथ में नडाल भी काबिज है। तो अगर ये यूएस ओपन का खिताब जीत जाते जोकोविच, तो वो ये रिकॉर्ड तोड़ के सबसे ज्यादा मेजर टाइटल जीतने वाले खिलाड़ी बन जाते। लेकिन उन्हें डेनियल मेदवेदेव ने हरा दिया 6-4, 6-4, 6-4 के सीधे सेटों में। अगली खबर है, भारत और यूएस ने हाल ही में मिलकर द क्लाइमेट एक्शन फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग लॉन्च किया है। इस डायलॉग के अंतर्गत इसका मुख्य उद्देश्य है भारत यूएस क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 जो है, इस पार्टनरशिप को फुलफिल करना। तो इसी पार्टनरशिप के चलते हुए यह डायलॉग लॉन्च किया गया। भारत की तरफ से भूपेंद्र यादव, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया। और वही यूएस के द्वारा मिस्टर जॉन कैरी, जो कि यूएस स्पेशल प्रेसिडेंशियल इन्वॉय फॉर क्लाइमेट चेंज है, उनके द्वारा दिल्ली में ये डायलॉग लॉन्च किया गया। इसी के साथ में बायलेटरल मीट में COP26 क्लाइमेट एम्बिशन, क्लाइमेट फाइनेंस, ग्लोबल क्लाइमेट इनिशिएटिव इंक्लूडिंग इंटरनेशनल सोलर अलायंस, एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट चेंज की भी चर्चा की गई। अगली खबर है हिंदी दिवस के बारे में। 14 सितंबर को हर वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसी दिन 1949 में जो हमारी देश की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, संविधान सभा थी, उन्होंने हिंदी को देवनागरी लिपि में एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्सेप्ट किया था, एडॉप्ट किया था। अगली खबर है ऑस्कर फर्नांडिस के बारे में। कांग्रेस का बहुत बड़ा नाम थे ऑस्कर फर्नांडिस, एक सीनियर लीडर थे, उसी के साथ में यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके थे, कैबिनेट मंत्री भी थे ऑस्कर फर्नांडिस। इनका हाल ही में देहांत हो गया है। लोकसभा में ये सबसे पहले 1980 में उडुपी, जो कि कर्नाटक में है, वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट होकर आए थे। उसके बाद में 1984, 1989, 1991 और 1996 तक लगातार ये लोकसभा से इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते रहे। उसके अलावा राज्यसभा के भी ये 4 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं 1998 से तो अभी तक। उसके अलावा जैसे मैंने बताया, ये यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं। यूनियन मिनिस्ट्री में इन्होंने लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट 2006 से 2009 तक संभाला है। उसके अलावा अलग अलग पोर्टफोलियो जैसे एनआरआई अफेयर, स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन भी ये संभाल चुके हैं यूपीए 2 गवर्नमेंट में। तो चलिए आज का जो हमारा न्यूज इन फ्लैश है वो यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।